गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं बैठा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ठीक है, शीट में हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, हमारे पास क्लियर है, और सर्कुलर भी हो सकती है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों हो सकती है हमारे पास है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, क्लियर हुआ, और उस पर बेस्ड मेरे में आईआईटी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्लियर हुआ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है बेटा, सर्कुलर डिस्क है। इसका रेडियस कितना गिवन है बेटा? कैपिटल आर गिवन है। कंसिडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज, सपोज दैट कितना इसकी सरफेस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप से मान लें, और इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया हमारे पास? सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो कौन सा होगा बेटा? वो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका एरिया चार्ज डेंसिटी कितना कंसिडर किया हमने? सिग्मा। कितना कंसिडर किया बेटा? सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो यहां तक? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट एट इस पर एक्सियल पॉइंट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है बेटा, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जैसा कि हमने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हम यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट मेथड तो क्या होगा हमारे पास कि अगर पॉइंट पी पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या? V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे? इसको हम इन्फिनिटेंशियली एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटेंशियली एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर ईच एलिमेंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो देखिए दोनों ही मेथड से हम बात करेंगे आगे। तो क्या किया मैंने, इसको स्प्लिट कर दिया बेटा किसमें? सेंटर से स्मॉल आर रेडियस और डी आर विड्थ की, स्मॉल आर रेडियस और डी आर विड्थ की एक सर्कुलर रिंग कंसिडर करते हैं बेटा। वी कंसिडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां बात करेंगे, देखिए यहां से वी कंसिडर ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस कितनी बेटा? डी आर। ठीक है, तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना हुआ? एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग कितना होगा बेटा? एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग की बात करेंगे, हमारे पास कितना हो गया? डी ए। कितना कंसिडर करेंगे बेटा? डी ए। अब देखिए डी ए का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास? जो एरिया होगा
तो रिंग की हम बात करेंगे, इसका जो एरिया हम यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ या थिकनेस, सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ और थिकनेस। तो फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके कि इसका जो हमारे पास एरिया होगा एलिमेंट रिंग का एरिया कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, एरिया ऑफ द एलिमेंट रिंग कितना होगा, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और थिकनेस कितनी बेटा डी आर है। वेरी गुड, कितना आ रहा बेटा 2πr into dr। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब हमारे पास एरिया अगर हमारे पास आ गया हो तो बेटा देखिए आगे एरिया आ गया है, चार्ज कैलकुलेट करना है मुझे, चार्ज निकालना है, चार्ज कैसे निकालेंगे देखिए, चार्ज एट एलिमेंट रिंग कितना होगा डी क्यू, कितना जोड़े मैडम डी क्यू। अच्छा ठीक है, डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी देखिए, क्या गिवन है बेटा आपको, सिग्मा गिवन है, सिग्मा क्या होता है बेटा एरिया चार्ज डेंसिटी, क्या होता है बेटा एरिया चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज एट यूनिट एरिया, चार्ज एट यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे चार्ज आपको गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है कितने एरिया पर, डी ए एरिया पर, कितने एरिया पर बेटा डी ए एरिया पर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे हम सिग्मा इंटू डी ए, क्या होगा बेटा सिग्मा इंटू डी ए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या सिग्मा का वैल्यू पुट कर दें, यहाँ तो सिग्मा तो ऑलरेडी सर सिग्मा ही गिवन है, डी ए का वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बात करें तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो गया बेटा सिग्मा इंटू टू पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। इट इज क्लियर? ठीक है चलो, तो मेरे पास एलिमेंट चार्ज आ गया, अब देखिए अब ये रिंग है हमारे पास है, रिंग का रेडियस कितना गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, सेंटर से बात करें एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, उस पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्ज रिंग। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसके सर्कमफ्रेंस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मान लिया क्यू चार्ज, कितना चार्ज कंसिडर किया क्यू चार्ज कंसिडर किया हमने, ये जैसे रिंग था हमारे पास, रेडियस कितना था स्मॉल आर, सेंटर से कितना बेटा एक्स, तो बताइए इस पर चार्ज कितना है क्यू चार्ज था, तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना था बेटा, अगर मैं इसको आर डेज कंसिडर करूँ तो आर डेज का वैल्यू कितना होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, सर वी इक्वल टू के क्यू बाय आर डेस, यही था के क्यू बाय आर डेस, यही है। अब चाहें तो क्या करें आर डेस की वैल्यू पुट कर दें, कितना था के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक? इसी टाइप से हम बात करेंगे, मेरे पास एक चार्ज रिंग है बेटा, ठीक है, इसका चार्ज कितना बेटा, कितना चार्ज कंसिडर कर रहा है वो डी क्यू चार्ज ले रहा है, कितना चार्ज ले रहा है बेटा डी क्यू चार्ज ले रहा है, तो उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट चार्ज रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट चार्ज रिंग, फटाफट बताइए क्या होगा, हमारे पास बात करें एलिमेंट है इसलिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं डी वी, क्या कंसिडर कर रहे हैं बेटा डी वी। तो अब देखिए डी वी हमारे पास कितना होगा, कुछ नहीं हमारे पास के क्यू अपॉन आर होता है, तो के को तो एज इट इज रहेंगे हम, चार्ज कितना गिवन है बेटा हमें क्यू नहीं है, कितना गिवन है डी क्यू गिवन है, तो क्या करेंगे हम के डी क्यू बाय। अब देखिए क्या होता है हमें ये डिस्टेंस कितनी कंसिडर कर ली आर डेस, तो आर डेस का वैल्यू कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए चाहे तो यहां हम डी क्यू का वैल्यू पुट कर दें, कितना होगा बेटा के सिग्मा टू पाई आर डी आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ये तो हो गया एलिमेंट रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब बात करें तो पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे,
ऐसी कितनी रिंग्स हो सकती हैं सर, जिनकी रेडियस कहाँ स्टार्ट हो रही है बेटा, जीरो टू कैपिटल आर, जीरो टू कैपिटल आर के लिए इतनी हमारे पास कितनी इन्फाइनाइट रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, जिनकी थिकनेस कितनी है स्मॉल आर, बहुत स्मॉल हमारे पास है। तो देखिए टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल वी इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, तो क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा टू पाई आर डी आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है बेटा आपको, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है सर, हमें करना है आर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बेटा आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में देखिए तो मिनिमम रेडियस कितनी हो सकती है उस रिंग की सर, जीरो, कितनी हो सकती है जीरो, और मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है बेटा इस डिस्क की रेडियस के इक्वल, अरे भाई मिनिमम कितनी हो जाएगी जीरो और मैक्सिमम कितनी हो सकती है डिस्क की रेडियस के इक्वल, दैट मीन्स यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे वो करेंगे आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल टू कैपिटल आर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो है वो बाहर निकाल लें, के कॉन्स्टेंट है, सिग्मा भी कॉन्स्टेंट है, टू पाई भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन बचेगा मेरे पास जीरो टू कैपिटल आर आर डी आर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, सपोज दैट लेट हमने क्या कंसिडर किया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लिया बेटा, टी कंसिडर कर लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कंसिडर किया बेटा टी कंसिडर कर लिया, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा सर टू आर डी आर, बट एक्स तो क्या है कॉन्स्टेंट है, एक्स तो क्या है कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता बेटा, कितना होता है जीरो, कितना होता बेटा जीरो, तो यहाँ हमारे बात करें इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, आर डी आर गिवन है, तो यहाँ से मत करूँ आर डी आर का वैल्यू आएगा डी टी बाई टू, ठीक है, डी टी बाई टू, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ये रफ कर दूं, अच्छा ठीक है चलो यहाँ कर लेते हैं हम, हाँ अब देखिए आर डी आर को क्या पुट कर दे बेटा, डी टी बाय टू पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, वी इज इक्वल टू के सिग्मा टू पाए इंटीग्रेशन आर डी आर को लिख देंगे हम डी टी बाय टू, ठीक है, एन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसको क्या कंसिडर किया हमने, टी एज्यूम किया है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा रूट ऑफ टी, ये लो क्या हो जाएगा बेटा रूट ऑफ टी, क्लियर है, बस में आ गए यहाँ तक। अब बात ये आ रही है सर हमारे पास वन अपॉन रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन बताइए फटाफट क्या होगा, यहां से टी टू से टू कैंसिल आउट हो गया, फटाफट बताइए कितना आएगा, के सिग्मा पाई, के सिग्मा पाई वन अपॉन रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन, वन अपॉन रूट ऑफ टी का, वेरी गुड, कितना है बेटा टू रूट ऑफ टी, कितना है बेटा टू रूट ऑफ टी, यही होगा हमारे पास वन अपॉन क्या हो जाएगा रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा टू रूट ऑफ टी, रूट ऑफ टी, अच्छा टी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं भाई, टी की वैल्यू हम बात करें तो टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बेटा हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा जीरो टू कैपिटल आर, कितना है लिमिट जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है, फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए बेटा इसका, देखिए हमें कुछ रफ करना होगा, ओके डन, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से बेटा मेरे पास क्या हुआ, तो ये तो मेरे पास है, क्या करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल आर, उसके बाद आर को रिप्लेस कर दूंगा किससे जीरो से, ठीक है, तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वी इक्वल टू के का वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई इंटू टू, अब देखिए बेटा जब मैं आर पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जीरो पुट करने पर कितना होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर,
और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ बेटा, ओनली एक्स। अरे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हुआ बेटा, एक्स ही तो होगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा कितना आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहां देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, 2 बचेगा मेरे पास, यही है। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 ब्रैकेट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब बात करें कहां पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर बेटा, एक्स डिस्टेंस पर। अब देखिए इसमें कैसे क्या क्या बनते हैं हमारे पास, देखिए सपोज दैट हम बात करें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस की हम बात करेंगे, इफ एक्स इक्वल टू कितना पुट करते बेटा हम, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दे, कितना पुट करते बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पॉइंट पी कहां लाई कर रहा है बेटा, एट द सरफेस, कहां लाइज कर रहा है, एट द सरफेस। यहां बात करेंगे एट द सरफेस, ठीक है। अब बताओ तो कितना आएगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा बेटा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू आ रहा है हमारे पास कितना, सिग्मा आर अपॉन 2ε0, सिग्मा आर बाय 2ε0, क्लियर है यहां तक। अच्छा भाई अरे ये तो कितना हो गया, जीरो, इट्स ऑल्सो भी जीरो, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर, यही होगा, तो सिग्मा आर बाय 2ε0। सेकेंड केस देखिए बेटा, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो यूज ना करके, एक्स की वैल्यू हम बात करें हम कहां पर ले जाए, सरफेस पे बात करें, चलो सरफेस की बात करेंगे, एट द सरफेस एक्स इक्वल टू जीरो मेरे पास है, एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो है, तो देखिए आर टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब लार्ज शीट, बहुत बड़ी शीट हम यूज करते हैं, लार्ज शीट की हम बात करते हैं, तो क्या होगा बेटा, अगर आर का वैल्यू कितना यूज करें, टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये कह दें कि जो सर्कुलर डिस्क है वो रेडियस के बटा आर ना होकर के बहुत लॉन्ग शीट हम बात करें, तो वहाँ रेडियस कितना यूज करें हम, टेंस टू इन्फाइनाइट, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑल्सो भी टेंस टू इन्फिनिटी, कितना होगा बेटा, टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, सरफेस पर हमने कहा मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है। अच्छा सरफेस से लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो थर्ड पॉइंट, सरफेस से क्या करें हम, लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, कितना यूज करें बेटा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर यूज करें तो क्या होगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यूज करने पर क्या होगा, तो देखिए हम बात करते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर हम बात करें तो वी टेंस टू कितना जाएगा बेटा, जीरो, वी टेंस टू जीरो। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है, देन आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, और इन्फिनिट पर कितना जाएगा बेटा, जीरो, कितना जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां इसको हम रफ कर रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया पोटेंशियल का, ये मैक्सिमम होगा मेरे पास सेंटर पर, सॉरी सेंटर पर क्या, सरफेस पर, देन आफ्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये पोटेंशियल है, ये उसका एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है मेरे पास, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। चलो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब देखिए अगर ये सर्कुलर डिस्क हमारे पास है, एनुलर शेप में हो तो किस में होगा, एनुलर शेप में हो विथ रेडियस आर वन एंड आर टू, लाइक दिस, देखेंगे कैसे, इफ फोर्थ केस की बात कर लें, इफ सर्कुलर डिस्क
इन एनुलर शेप विद रेडियस, हम यूज कर रहे हैं कितनी, R1 एंड R2। देखिए हमारे पास बात करें तो यहां मैंने कहा ये एनुलर शेप में हमारे पास आ गया, इंटरनल रेडियस कितनी है बेटा R1, और आउटर जो रेडियस हम बात करेंगे वो कितनी आएगी R2, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है यहाँ। अब बताओ तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वही x डिस्टेंस की बात करेंगे हम, कहाँ डिस्टेंस पर बेटा x डिस्टेंस पर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर बेटा x डिस्टेंस पर, कोई पॉइंट P है तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो सर इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। वहाँ हमने जो लिमिट यूज़ की थी, कहाँ से चार्ज कहाँ स्टार्ट होता, सेंटर से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए हमने लिमिट कितनी पुट की थी 0 to R, ये यूज़ की थी 0 to R, ठीक है। अब मैं अगर ये बात करूँ, यहाँ मेरे पास क्या है, चार्ज कहाँ स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं सर, चार्ज स्टार्ट हो रहा कहाँ से, फटाफट बताइए चार्ज कहाँ स्टार्ट हो रहा है, रेडियस R1 से, और कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारे पास है, R2 तक, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँ जो लिमिट हमने यहाँ यूज़ की है कितनी, 0 to R, कितनी यूज़ की बेटा 0 to R, इसी को हम यूज़ करेंगे क्या, R1 to R2, क्लियर हुआ यहाँ तक, R1 to R2। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा σ1/4πε0, ठीक है, और σ as it is 2π as it is, ब्रैकेट हम बात करेंगे √R² + X² जो लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक करेंगे बेटा, R1 to R2, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा भाई, हमारे पास आंसर आएगा σ/2ε0, जब R2 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ब्रैकेट √R2² + X² - √R1² + X², ठीक है। अगर इंटरनल और आउटर रेडियस अगर आपको गिवन हो, एनुलर शेप में अगर हमारे पास गिवन है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से, सेंटर से या सरफेस से, कितनी डिस्टेंस पर, परपेंडुलर x डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, σ/2ε0 ब्रैकेट √R2² + X² - √R1² + X², क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। चलो ये तो था हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अच्छा बात यह रही सर, अगर यहाँ डिस्क यूज ना करके अगर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट लेते तो देखिए क्या होगा। इस टाइप से मान लो हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका एरिया चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको बेटा सिग्मा गिवन है, क्या गिवन है बेटा, सिग्मा गिवन है, ठीक है। तो यहां से बात पूछा है वही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्या इससे, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, कितना, E = σ/2ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, और जब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, V = -E·r·, या हम ये कहते हैं A to B अगर बात करें, ये लो E होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, E·dr·, माइनस हमारे पास यूज करेंगे कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ मान लो हमारे पास कोई पॉइंट, हमारे पास P पॉइंट है और ये पॉइंट क्या हमारे पास है, Q है, ठीक है। तो ये R1 पॉइंट हो गया और ये कितनी हो गया बेटा, R2 डिस्टेंस पर हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो VPQ कैलकुलेट कर लें हम, क्या करेंगे, VPQ कैलकुलेट कर लें। तो VPQ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है σ/2ε0, यही है, तो ये क्या होगा हमारे पास, VQ माइनस VP, यही है। तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रखा है σ/2ε0, इनका डिस्टेंस, दैट मीन्स R2 - R1, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सर बात यह सर, पी से क्यू हमारे पास आ रहा है तो VQ - VP में नेगेटिव कैसे आ रहा है हमारे पास, अरे बेटा हमने क्या कहा,
जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर जो है वो किसके अलोंग लेना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। रीजन बिकॉज यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक? बस में आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो इस टाइप से हम बात कर रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट आपके पास गिवन हो। अच्छा, अगर मान लो कंडक्टर प्लेट गिवन होती तो भी हम ये फॉर्मूला यूज करते। बस क्या है, यहाँ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस कर देते बेटा किससे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, चलो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हो चाहे डिस्क हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, देखिए स्फीयर वाले में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसमें काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पास है कंपटीशन में पूछ जाते हैं, चाहे वो जेई हो या हम बात करें नीट हो। ठीक है, बोर्ड के दृष्टि देखा जाए तो बोर्ड के फॉर्म से भी हम देखा जाए तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर और शेल। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बात करेंगे कंडक्टर स्फीयर के लिए आएगा, सेम वही रिजल्ट हमारे पास किसके लिए आएगा, शेल के लिए आएगा। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने। अरे भाई कंडक्टर स्फीयर होगा तो भी चार्ज कहाँ रहेगा, उसकी आउटर सरफेस पर। कहाँ रहेगा बेटा, आउटर सरफेस पर। और शेल है तो इनसाइड तो बेस है ही नहीं, मटेरियल गया नहीं है तो चार्ज कहाँ रहेगा, तो भी उसकी आउटर सरफेस रहेगा। तो दोनों ही केसेस में बात करें तो चार्ज कहाँ है, उसके आउटर सरफेस पर। ये देखो ये एक स्फीयर है हमारे पास है, जिसका रेडियस कितना गिवन है बेटा आपको, कैपिटल आर गिवन है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है किससे बेटा, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा से। किससे बेटा, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा से। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको, या तो सिग्मा की फॉर्म में दिया हुआ होगा, अदरवाइज आपको गिवन होगा किसकी फॉर्म में, टोटल चार्ज। ठीक है, तो अगर सिग्मा गिवन है टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, टोटल चार्ज एट स्फीयर कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्कस किया था कि पॉइंट पी की जो पोजिशन हमारे पास है, ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, सर आउटसाइड द स्फीयर, दैट मीन स्मॉल आर मस्ट बी ग्रेटर देन टू कैपिटल आर। सेकेंड कहाँ हो सकता है हमारे पास, एट द सरफेस। थर्ड हमारे पास कहाँ हो सकता है, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, यहाँ तीनों कंडीशन की बात करेंगे हमारे पास, एक तो आउटसाइड द स्फीयर, सेकेंड हमारे पास एट द सरफेस, एंड थर्ड इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए केस फर्स्ट हम बात करते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मीन्स आउटसाइड द स्फीयर, बाहर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बाहर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। हाँ सर बिल्कुल पता है हमें, आउटसाइड द स्फीयर मत करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर हमारे पास है, कितने चार्ज है बेटा, सिग्मा से चार्ज है, उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, फटाफट बताइए बेटा मेरे को, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, कितना है बेटा, वेरी गुड। यार हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, कितना, आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अरे चाहो तो उसको क्यू के टर्म्स में लिखे, तो क्यू के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा हमारे पास है सर के क्यू। देखो यहां से हम बात करें, सिग्मा का वैल्यू कितना बेटा, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर है। दोनों ही मेथड से हम बात करेंगे यहाँ। तो फर्स्ट हमने कहा क्या कि के सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में आर कैप, क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारे पास है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। अब देखिए, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। रीजन बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया माइनस इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर दो फॉर्मूला, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू स्मॉल आर, बस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर तक लाना है। कहाँ से लाना है? इन्फाइनाइट से लाना है। कहाँ से लाना है बेटा? इन्फाइनाइट से लाना है। कहाँ तक लाना है? स्मॉल आर तक लाना है। ई वेक्टर डॉट डी आर, ई का वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ। ई पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटा? इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू आर समेशन सॉरी सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। अब देखिए, ऐसा ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, क्या आर कैप डॉट डी आर, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे आर कैप डॉट डी आर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? आर कैप डॉट डी आर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। आर कैप डॉट डी आर, वेरी गुड, कितना आ रहा है? डी आर। यहां बात करेंगे वी पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू आर समेशन आर स्क्वायर अपॉन सॉरी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब देखिए, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है। तो इनको तो ऐसे कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन सॉरी माइनस सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू स्मॉल आर वन बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए वन बाई आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, वन अपॉन आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? वन बाई आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वेरी गुड, कितना आ रहा है? माइनस वन बाई आर, कितना आ रहा बेटा? माइनस वन बाई आर, माइनस सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई आर, लिमिट कितनी पुट करनी है? इन्फाइनाइट टू स्मॉल आर, यही है। अब देखिए, जैसा कि हमने इसको सोल्व करने दो मेथड बताए थे आपको, या तो इस नेगेटिव को बाहर निकाल लो अदरवाइज लिमिट को इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट इंटरचेंज करने के बजाय इस नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे। क्यों? बिकॉज सर ये नेगेटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से बोलो तो वी पी इक्वल हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वन बाई, अब देखो अपर लिमिट कितनी है? स्मॉल आर, माइनस स्मॉल आर को रिप्लेस करूंगा किससे? इन्फाइनाइट से, इन्फिनिटी से, तो वन अपॉन में इन्फिनिटी। हाँ बेटा फटाफट बताइए वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है? वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट कमेंट करो मुझे वन बाय इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास? वेरी गुड, कितनी आ रही है? जीरो। कितनी आ रही बेटा? जीरो। तो ये वैल्यू मेरे पास कितना हो गया? जीरो हो गया। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर और शेल, ठीक है, जो किसे चार्ज है बेटा? एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा से। चलो ये तो हमारे पास है सर सिग्मा की टर्म्स में आ गया। अगर इसको मुझे चार्ज के फॉर्म में लिखना होता तो टोटल चार्ज क्यों गिवन है? तो यहाँ से मत रहे इसको ऐसे बोल सकते हम, और वी पी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर, के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर, क्लियर है। चलो इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड केस। ये तो कब था? था पॉइंट पी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हो? आउटसाइड द स्फीयर। कितना था बेटा? आउटसाइड द स्फीयर। अभी मैं बात करूँ पॉइंट पी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? सपोज दैट एट द सरफेस, तो स्मॉल आर इक्वल हो जाए बेटा किसके? कैपिटल आर के। स्मॉल आर इक्वल हो जाए बेटा किसके? कैपिटल आर के।
दैट मीन्स एट द सरफेस। तो देखिए बेटा यहां मत करें एट द सरफेस भी तो आउटसाइड द स्फीयर है। अरे भाई सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मतलब वो उसकी क्या है आउटसाइड ही है। पर आउटसाइड है तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यही यूज करेंगे हम, यही यूज करेंगे। बस क्या करना है मुझे स्मॉल आर को इक्वल रखना है किसके, कैपिटल आर के। किसके को रखना बेटा, कैपिटल आर के। दैट मीन्स पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू कैपिटल आर। बाकी एच डी से हमारे पास होगा कितना सिग्मा, हमारे पास है आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। बाकी और कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस क्या करना है आपको लिमिट कितनी पुट करनी है इन्फाइनाइट टू कैपिटल आर तक करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चाहे तो उसके डायरेक्शन को हम दोबारा डिराइव करें, अदरवाइज यह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं वन बाई कैपिटल आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? वन बाई कैपिटल आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, या फिर रिजल्ट में हम क्या करते हैं स्मॉल आर को रिप्लेस करते हैं बेटा किससे, कैपिटल आर से। ठीक है बस में, अरे यार क्या करना है हमें, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर था उसकी जगह रिप्लेस करेंगे किसे, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। अब कहाँ लाना है मुझे, सरफेस पे लाना है ना। ठीक है तो क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट, जो मेरे पास आएगा वो इस टाइप से होगा बेटा वी पी इज इक्वल टू, सरफेस की बात हो रही है बेटा, तो कितना आएगा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, कैपिटल आर। तो यहां बात करेंगे सिग्मा कैपिटल आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं चार्ज के फॉर्म में लिखूं तो वी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। क्लियर है यहां तक? ठीक है दोबारा फिर बात करें मेरे पास क्या होगा कि एक तो आउटसाइड द स्फीयर की बात करें तो कितना होगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है कैपिटल आर अपॉन में सॉरी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। और अगर एट द सरफेस की बात करेंगे तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा थर्ड केस क्या होगा बेटा, इनसाइड, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। इनसाइड कितना है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हमारे पास आ रहा है तो क्या करेंगे हम। ठीक है तो क्या करेंगे बेटा हम, ये मान लो मेरे पास स्फीयर है इसका रेडियस कितना बेटा कैपिटल आर है और यूनिफॉर्मली चार्ज किससे बेटा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा और टोटल चार्ज कितना गिवन है क्यू गिवन है सपोज। ठीक है तो मुझे सेंटर से कितने इनसाइड की बात करेंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए जैसा कि हमने कंडक्टर स्फीयर में पढ़ा था आउटसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता बेटा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बट अगर बात करें इनसाइड द स्फीयर की देखी जाए तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी फील्ड कितना था बेटा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा जीरो। सरफेस तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता बेटा जीरो होता है। ठीक है इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफरेंस क्या बोलते हैं हम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट ए पॉजिटिव यूनिट एज चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके अगेंस्ट वर्क करोगे, बस में आइए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई वर्क नहीं है। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ही तो उसके अगेंस्ट वर्क करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो है तो अगेंस्ट वर्क भी कितना हो गया जीरो हो गया। अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हुआ जीरो हुआ। क्लियर है? बट कहां पर, सरफेस से इनसाइड, सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है जीरो होता है। सरफेस पे तो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है इसलिए यहां पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा। तो देखो क्या लिखोगे इसको, यहां मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r, जो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास है कितना यूज करेंगे e वेक्टर डॉट डी आर, यही है। तो इसको हम क्या कर देंगे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कहां तक, पहले तो मैं चार्ज को कहां से लेके आऊंगा बेटा इनफाइनाइट से सरफेस पर लेके आएंगे हम। अरे कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करना है, ये इनफाइनाइट है यहां से चार्ज पार्टिकल को आना है मुझे इनसाइड लेना है तो डायरेक्ट इनसाइड तो लाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इनसाइड नहीं लाएंगे हम। तो क्या करेंगे पहले इन्फाइनाइट से कहां पर लाएंगे हम, सरफेस पर लेके आएंगे। कहां पर लेके आएंगे
सरफेस पर लिखेंगे, उसके बाद सरफेस से कहाँ लाएंगे, इनसाइड लाएंगे। तो क्या हुआ, इन्फिनिटी टू आर ई वैक्टर डॉट डी आर एंड माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई वैक्टर डॉट डी आर। ठीक है, एक तो इन्फाइनाइट से सरफेस पर, फिर सरफेस से इनसाइड, क्लियर है। तो देखिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको रफ करना है हमें। ओके डन। चलो तो यहां मैं बात करूं, मेरे पास क्या होगा, कितना आ रहा बेटा, v इक्वल टू इनसाइड की बात करें हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल r e वेक्टर डॉट डी आर। ये ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, बट इन्फाइनाइट टू मेरे पास है या कैपिटल आर टू स्मॉल आर जब यूज करेंगे, वहां ई वेक्टर जब डॉट डी आर यूज करेंगे तो यहां तो ई का वैल्यू कितना है बेटा, जीरो। कितना बेटा यहां ई का वैल्यू, अरे भाई कैपिटल आर टू स्मॉल आर का मतलब इनसाइड द स्पेयर, और इनसाइड द स्पेयर कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। क्लियर है यहां तक, तो कोई डाउट है क्या, यहां बस में आ गई। ठीक है, तो यहां बात करें हमारे पास क्या हुआ, ई का वैल्यू कितना है, जीरो। ये तो सोल्व करना ही नहीं है, और ये ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, सरफेस की बात करेंगे, ये तो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। कितना है हमारे पास, ये आया सर हमारे पास v इज इक्वल टू k कैपिटल q अपॉन कैपिटल r, और सिग्मा हमारे पास है r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक, दैट मीन्स हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आउटसाइड द स्पेयर k q बाय स्मॉल r होता है, एट द सरफेस k q बाय कैपिटल r होता है, और सरफेस से लेकर के सेंटर तक, सरफेस से लेकर के सेंटर तक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमन होता है। ठीक है, कितना के क्यू बाय आर। क्लियर हुआ यहां तक, दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को कंडक्टर स्पेयर के, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्पेयर के सरफेस से इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ले जाएं, तो उसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना होगा, सर जीरो करना होगा, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या गिवन है, तो देखो ये है जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस 2019 का, सॉरी 18 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, द थ्री कंसेंट्रिक मेटल शेल्स, थ्री कंसेंट्रिक मेटल शेल्स आपको गिवन है, 1, 2 एंड 3, थ्री कंसेंट्रिक मेटल शेल्स दे रखी है बेटा आपको, ए बी एंड सी। क्लियर है यहां तक, ऑलरेडी ए बी एंड सी, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो ए बी सी में क्या रिलेशन हुआ, ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोला हमारे पास है, हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली, हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। तो इनिशियल पर इनर जो पास स्पेयर है उस पर कितना है, प्लस सिग्मा, मिडल जो वाला है उस पर कितना है, माइनस सिग्मा, और आउटर जो स्पेयर है उस पर कितना है, प्लस सिग्मा। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ शेल बी, ठीक है, द पोटेंशियल एट शेल बी, बी शेल पर पोटेंशियल क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है बेटा आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ए, नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या गिवन बेटा आपको, बी ऑप्शन गिवन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या गिवन है, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी प्लस ए, एंड फाइनली फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या गिवन है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय सी प्लस ए, ये आपको गिवन है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेरिकल स्क्वायर बी, सॉरी शेल जो हमारे पास दे रखा है, स्फेरिकल शेल जो गिवन है बी, उस पर पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए बेटा, हम बात करते हैं बी शेल पर जो पोटेंशियल होगा वो सेल्फ के कारण तो होगा ही होगा, भाई खुद का पोटेंशियल तो यूज करेगा करेगा। उसके अलावा बात करेंगे शेल ए का भी पोटेंशियल होगा, शेल सी का भी तो पोटेंशियल होगा, होगा नहीं होगा, शेल सी का भी तो पोटेंशियल होगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहां से बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहां सरफेस जो ए दे रखा है, स्क्वायर जो हमारे पास दे रखा है, उस पर चार्ज कितना होगा। तो देखिए हम बात करेंगे आउटसाइड जो है वो तो होता है फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस में कितना होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, इनसाइड कितना होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, ये तो है आउटसाइड सरफेस और इनसाइड, ये निकाला भी हमने सोल्व। अच्छा ठीक है, यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या होगा, देखिए हमारे पास तो चार्ज एट शेल ए कितना होगा, क्यू वन कंसिडर कर लें तो वो हमारे पास आ रहा है चार्ज डेंसिटी गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, तो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर। ऐसे शेल बी पर कितना चार्ज होगा, माइनस सिग्मा इंटू फोर पाई बी स्क्वायर, सी पर कितना होगा बेटा क्यू थ्री इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर, सॉरी ये माइनस में है, फोर पाई सी स्क्वायर, यही है हमारे पास। अच्छा ठीक है, नाउ अब देखिए बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा या बी शेल पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, देखिए यहाँ से हम बात करेंगे बी शेल पर जो पोटेंशियल होगा एक तो सेल्फ का होगा, अरे खुद का पोटेंशियल भी तो होगा, तो खुद का मतलब इसकी सरफेस पर निकालना है, तो सरफेस का मतलब क्या होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, ध्यान से देखना बेटा के क्यू की जगह क्या पुट करेंगे बी का, माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन, इसका रेडियस कितना है बी, कितना रेडियस बेटा बी रेडियस। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ का। नाउ सेकेंड हम बात करें सर इनर स्पेयर का भी तो होगा, तो इनर स्पेयर के लिए जो मिडल स्पेयर है वो किधर है, आउटसाइड द सरफेस या इनसाइड द सरफेस, किधर बेटा आउटसाइड है, अरे भाई ये पॉइंट बी जो है इस इनर स्पेयर जो हमारे पास है उसके लिए तो क्या है आउटसाइड है, और आउटसाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम के क्यू बाय स्मॉल आर, स्मॉल का मतलब सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये मेरे पास हो जाएगा के सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, ठीक है अपॉन कितना हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है बी, डिस्टेंस कितनी है बेटा बी। अच्छा थर्ड की बात करते हैं सर सी वाले का भी तो होगा, जो हमारे पास आउटर जो हमारे पास स्पेयर है उसका भी तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल होगा। अब देखिए पॉइंट बी जो है आउटर स्पेयर के लिए, पॉइंट बी जो है आउटर स्पेयर सी के लिए किधर है इनसाइड, किधर है इनसाइड, और जैसा कि हमने बोला है कंडक्टर स्पेयर में बात करेंगे या शेल की बात करेंगे जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल कहाँ होगा इनसाइड होगा, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा जिसकी सरफेस पर होगा, तो कितना होगा हमारे पास वो होगा प्लस के सिग्मा फोर पाए सी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, चाहे तो हम क्या लिखेंगे इसको के का वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया सिग्मा फोर पाई सब में कॉमन आ रहा है, सिग्मा फोर पाई सब में कॉमन आ रहा है, अब बताओ क्या बचेगा मेरे पास माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी, यही होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देखिए बेटा क्या होगा यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है एक सी से सी कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन चेक कीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन है, वेरी गुड, क्या आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट मान लो, स्फेरिकल शेल मान लें हमारे पास है, या सर्कुलर डिस्क मान लें, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें एक टॉपिक हम बीच में रह गए बेटा, ग्राफ अगर प्लॉट करना हो, सॉरी बीच में प्रीवियस के उसमें रह गया, ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, किसके लिए? स्फेरिकल कंडक्टर हम बात करेंगे, तो क्या था हमारे पास V वर्सेस स्मॉल r। तो देखिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमने कहा चार्ज होता है तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमन रहता है, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ये तो कितना है V इज इक्वल टू, यहां बात करूंगा V, ये स्मॉल r इक्वल टू जीरो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r दोबारा है ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहां बात करें V इज इक्वल टू के कैपिटल Q बाय कैपिटल R, कहां तक? सरफेस तक, ठीक है, सरफेस तक कितना था है? और यहां इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था है? जीरो। उसके बाद हम बात करें तो V प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन R, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? थैंक यू।